अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी बीफ बोटी और इसके साथ मैं बनाऊँगी वाइट आटे के पराठे। सबसे पहले हम मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मैं ये जो है बोटी मैंने 1 kg ली है और इसको इस तरह छोटे साइज़ में कटिंग कर लिया है। मैरिनेशन के लिए हमें ज़रूरत होगी 1 प्याली दही, 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्चा पपीता चाहिए हमें 3 tablespoon, प्याज जो है मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, इसको ब्राउन करके और इस तरह से मैंने क्रश कर लिया था इसे। ये ज़ीरा है, ज़ीरे को मैंने जो है तवे पे भून के और इसे भी मैंने क्रश कर लिया था, ये 2 tablespoon है हमारे पास। और मसालों में लाल मिर्च का पाउडर है 2 tablespoon और 1.5 tablespoon गरम मसाला, 1 tablespoon जो है सॉल्ट है मेरे पास। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको सही लगे। चले हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बाहर के कोई मसाले यूज़ नहीं करूँगी, घर के मसाले से मैं बना रही हूँ। ये ज़ीरा, कच्चे पपीते का पेस्ट जाएगा 3 tablespoon, नमक 1 tablespoon या अपने टेस्ट के मुताबिक आप रख सकते हैं, ये लाल मिर्च का पाउडर है 2 tablespoon, ये गरम मसाला 1.5 tablespoon, अब ये जो मेरे पास 1 प्याली दही है इसको मैं इस तरह मिक्स करके प्याज जो मैंने ब्राउन की थी, ब्राउन करने के बाद मैंने इसको क्रश कर लिया था इस तरह, अब ये हम दही में मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुकी है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैरिनेट करके हम इनको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इनको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वैसे 3-4 घंटे बहुत होते हैं। ये देखिए मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ये अब इनको मैरिनेट कर लिया है मैंने, अब इनको हम फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। ये देखिए बोटियों पे मैंने मसाला लगा के जो है इसको फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके, अब मैंने इसको 3 घंटे बाद जो है फ्रिज से निकाल लिया है, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ये जो मैरिनेट की करके रखी थी हमने बोटियाँ, ये इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह करके थोड़ी सी ये फ्राई हो जाए, ऑयल में मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 1/2 कप के करीब और हम इसे कवर करके रख देंगे। ये देखेंगे फ्राई हो चुकी है, 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई की इस तरह ऑयल में। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1/2 प्याली के करीब या 1 प्याली के करीब। ये इसमें सारा मसाला लगा हुआ था, मैंने पानी डाल के इसको अच्छी तरह उसका सारा मसाला पानी में ले लिया, कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये देखें सारा मसाला भी इसमें आ गया, अब हम इसको मिक्स करके मीडियम
मीडियम फ्लेम पे हम इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक ये हमारी कुक हो रही है, जब तक हम पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। ये मैंने एक कप के करीब, एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा ले लिया। इसके अंदर सिंपल आटा गूंदना है हमें, जिस तरह हम गूंदते हैं पराठे के लिए। सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, 1 टीस्पून जो है घी ऐड करेंगे। घी अच्छी तरह इसमें आटे में मिक्स करके और हम इसको गूंद लेंगे। मैंने वाइट आटा लिया है, वाइट आटे के पराठे अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को गूंद लेंगे। ये आटा मैंने गूंद लिया है, इस पर हल्का सा घी लगा के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। फिर इसके बाद पराठे बनाएंगे। हम जो ये पराठे बना लेते हैं, पराठे के लिए एक पेड़ा ले लेती हूँ मैं। ये मैंने रोटी को जो इस तरह कर लिया आटे को, अब हम इस पर घी लगा देंगे। इस पर सब तरफ हम इस तरह घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद हम इसको इस तरह कटिंग कर देंगे, तो ये हमारा लच्छेदार पराठा रेडी हो जाएगा। इस तरह पतली पतली स्ट्रिप्स में ये हमने कटिंग करके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये सारी स्टेप्स फोल्ड हो गई, ये देखें। अब हम इसको इस तरह से, अब हम इसको इस तरह करके ये देखें, ये जो हमने पराठा बनाया था, अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा लच्छेदार पराठा बनता है ये इस तरह कटिंग करने से। ये एक साइड से हो जाए, फिर हम इसको पलट देंगे 2 से 3 मिनट के बाद। ये एक साइड से हल्का हल्का सिक चुका है, अब हम इसको इस तरह पलट देंगे। ये देखें, अब हम इसमें घी डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, पराठा हमारा फ्राई हो चुका है। ये देखें, अच्छा गोल्डन कलर आ गया, इसकी लेयर्स भी आप देखें। ये देखें इसकी लेयर्स जो हमने कटिंग की थी, ये इस तरह से इसकी लेयर्स बन चुकी हैं। अब हम रायता रेडी कर लेते हैं। रायते के लिए मैंने एक प्याली दही ले लिया है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी और ये जो है मैंने एक हरी मिर्च ली थी बड़े साइज की, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा, इन तीनों को मैंने जो है चॉप कर लिया था चॉपर में, ये इसमें ऐड कर देंगे रायते में और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये हमारा रायता भी रेडी हो चुका है, अब हम इसको रख देते हैं। ये बोटियों का मसाला भी खुश्क हो चुका है, इसका पानी सारा, ये देखें ऑयल इसने अलग कर दिया है, आप चेक कर लीजिएगा इसको तोड़ के, अच्छी तरह गल चुकी है हमारी। अब हम इसे कोयले का स्मोक लगाएंगे। कोयला गर्म करके मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर डाल के और इसको कवर कर देंगे। दो मिनट तक हमें कोयले का स्मोक देना है ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर मिक्स हो जाए। ये देखें, अब मैं ये हटा दूंगी और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह।
ताकि जो कोयले का स्मोक दिया है हमने वो सब तरफ हो जाए। ये देखिए हमारी बिहारी बोटी तैयार है पराठों के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट रेसिपी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।